अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू दी शेख। कल है जुम्मा और मैंने इनके कपड़े निकाल दिए थे जुम्मे के, तो मैंने सोचा कि अभी ही प्रेस करके रख दूँ ताकि कल इजीली ये शावर लेके और ये कपड़े चेंज करके और फिर जॉब पे चले जाएंगे। तो बस अभी मैं कपड़े प्रेस करने लगी हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ और फिर कल इंशाल्लाह जुम्मा है तो जो एक्टिविटीज़ होंगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जी, तो धनिया अच्छी तरह मैंने तोड़ लिया है और अब इसको पैक करके फ्रिज में रख देंगे। तो ऐसे ये टिश्यू पेपर लगा के इसने किया है, जो इसका मॉइस्चर है उसकी वजह से ये गल जाता है फ्रिज में रखने से, क्योंकि फ्रिज में भी ये पानी छोड़ता है। तो इसलिए इसको ऐसे रख देंगे तो काफ़ी दिन तक ये चल सकता है। और बस ये, और मेरी बेबी बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, तो मैं जाती हूँ उसको संभालती हूँ, फिर मैं आप लोगों से आगे की एक्टिविटीज शेयर करती हूँ। हाँ जी, तो अभी बेबी को शावर करा के और रेडी कर दिया है और अभी अपनी खाला से खेल रहा है। हाँ बोलिए के चैनल को सब्सक्राइब करके ब्लॉग पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए। हाँ माशाल्लाह मेरा बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह, कौन बातें निकल रहा। हाँ जी, तो मुझे पार्सल रिसीव हुआ है सईद घनी वालों की तरफ से और मैंने इनकी वेबसाइट से ऑर्डर किया था। मतलब मैंने खुद ये चीज़ें बाय की हैं और अब मैं और ये चीज़ें भी आपको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ और फिर मैं इसका रिव्यू शेयर करूँगी लाजमी आप लोगों के साथ। तो अभी मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमें रिसीव हुए हैं और जो कि हमने ख़ुद ऑर्डर किए थे, ये मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। और बाकी ये है कि सबसे पहले हमारे पास जो आया है वो है वाइटनिंग बॉडी लोशन शिया बटर के साथ है, ये फॉर सिल्की स्मूथ स्किन। और पैकेजिंग वाइज बहुत सही है, प्राइस वाइज बहुत सही है। इसके प्राइस थे समथिंग 198 समथिंग थे, तो देखा जाए तो बहुत अच्छा है ये, लेकिन अभी यूज़ करके पता चलेगा कि रिज़ल्ट कैसा दे रहा है। तो ये बेसिकली मेरा नहीं है, मेरी अम्मी और मेरी बहन ने मंगवाया है, तो मैं उनसे रिव्यू लेके आपको बताऊँगी कि ये कैसा है। अच्छा, तो ये सेकंड जो है हमारे पास ये है ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग विटामिन सी फेस क्रीम। तो इसके मैंने रिव्यूज़ बहुत अच्छे पढ़े थे, तो मैंने अपनी अम्मी को रिकमेंड किया, मैंने और मेरी बहन ने, कि आप ये यूज़ करके देखें। तो वैसे तो उनको एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह से उनकी स्किन पहले ही बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, लेकिन ना फिर भी हमने बोला कि हम उन पर ट्राई करके देखते हैं, अगर ये मतलब अच्छा रिज़ल्ट दे रही होगी तो आप लोगों को रिकमेंड करेंगे हम लोग। तो ये अभी यूज़ करके बताएंगे कि कैसा है। और ये है रोज़ वाटर, अब इसके बारे में तो मैं बता नहीं सकती क्योंकि रोज़ वाटर तो होता ही अच्छा है, तो रोज़ वाटर तो वैसे भी हमारे पास होना चाहिए, कुछ फेस पैक बनाने हैं या कुछ बनाना है तो उसमें लाजमी होना चाहिए। वैसे भी अब समर्स आ रहे हैं तो स्प्रे करने के लिए फेस पे तो बहुत अच्छा सा मतलब रिफ़्रेशिंग सा हो जाता है, इसलिए ये रोज़ वाटर है, ये मैंने मंगवाया था। और ये फेयरनेस सुप्टन है, ये एक मेरी बहन का है और एक मेरा है। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है एक्स्ट्रा वाइटनिंग, तो ये एक्स्ट्रा वाइटनिंग देता है कि नहीं ये मैंने चेक करने के लिए मंगवाया है। और ज़रूरी नहीं है कि उपटन ब्राइड्स यूज़ करें,
उपटन वैसे भी नॉर्मली भी इंसान यूज़ कर सकता है और उसके फेस की डर्ट सारी चीज़ें ये सब डर्ट वगैरह निकल जाती है। तो मैं ये यूज़ करके आप लोगों को इसका रिव्यू लाजमी दूंगी। तो मैंने रिव्यू करने के लिए चीज़ें मंगाई हैं, तो आप लोग रिव्यू का वेट करिएगा और जिसने ये चीज़ें यूज़ की हुई हैं वो कॉमेंट करके लाजमी बताएं। अच्छा जी, तो आप लोगों से एक बात और पूछनी थी, वो ये कि अभी जैसे कि हो रहा है, जो जो कराची वाले हैं वो सब कमेंट में बताएं कि मौसम इस तरह का हुआ हुआ है कि कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, पंखा चलाओ, और कभी फ़ैन की हवा इतनी बुरी लगती है कि दिल करता है बंद कर दो, और फिर जब बंद कर दो तो फिर गर्मी लगने लग जाती है। मतलब कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो ये वेदर हुआ है आजकल, और वो ना बहुत इरिटेटिंग होता है। मतलब किसी को सर्दी लग रही है, किसी को गर्मी लग रही है, कोई कह रहा है फ़ैन चलाओ, कोई कह रहा है नहीं चलाओ। तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा, जो जो कराची वाले हैं ऐसा सबके साथ ही हो रहा होगा। और दूसरा ये कि अभी आप लोगों में रेडी हुई भी दिख रही हूँ, और ये वही ड्रेस है। जी हाँ, ये वही ड्रेस है जो मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था, और मैंने कहा था कि कोई मुझे बुला ले और मैं इन्वाइट करे और मैं जाऊँ, ताकि मैं ये ड्रेस इसकी जो प्रेस की थी वो वसूल करूँ। तो बेसिकली बात यह है कि अभी मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ के घर, और मेरी मदर इन लॉ का घर भी वहीं है, तो हम वहाँ जा रहे हैं बेबी को लेके। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें।